नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारी। की बहुत सारे क्वेश्चन थे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या कब होगा, संपूर्ण जानकारी बताइए। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपको सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वह कब तक आएगा, फिजिकल डेट कब तक है, कब होगा, या फिर आप यह भी बता सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, और फाइनल सिलेक्शन आखिर होगा तो कब होगा। इस सही सब की जानकारी मैं आपके लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट दिनांक की। दोस्तों, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट दोस्तों नवंबर के लास्ट में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। कब? नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद फिजिकल कब होगा? दोस्तों, फिजिकल की बात करें तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसके 10 दिन से 12 दिन के बाद आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी फिजिकल ही हो जाएगा। और दिसंबर, जैसे ही दिसंबर आपका आएगा, दिसंबर दिसंबर के चलते दिसंबर में आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी फिजिकल होने के बाद, ठीक है। जो फिजिकल होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आप लगभग दिसंबर के सेकेंड वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेंगे, ठीक है। और आपका फाइनल सिलेक्शन दोस्तों जनवरी के पहले या जनवरी तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी अभी न्यू वैकेंसी आई हुई हैं उनका फॉर्म भी डलना स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 19 नवंबर से उनके फॉर्म डलने लगेंगे। तो वह भी जल्दी से निपटाना, इसलिए इसको जल्दी से निपटाएंगे और उसका नई भर्तियों का काम लगाएंगे। दोस्तों, यह जब जल्दी रिजल्ट आने वाला है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो स्पीड से सभी काम होंगे और जल्दी जल्दी सब कुछ निपट जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों के किसी के नंबर कम है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, दूसरी वैकेंसी आ चुकी है, 49,568 न्यू भर्ती आ चुकी हैं पुलिस में। तो आप दोस्तों, यदि आपके नंबर कम हो तो आप फिर से अच्छे से तैयारी करें और इसको भी क्वालिफाई करें, ठीक है दोस्तों। यदि जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसका भगवान भला करे दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।